हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचनाओं की। तो ये आपके सामने फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल लिखे हैं और हम बात करेंगे इनकी संरचनाओं की। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों के सूत्र और उनके नाम याद करने की ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, अगर आपको याद नहीं हो उनके नाम और उनके सूत्र, तो आप पिछली वाली वीडियो देख लें। इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे आपको फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना। तो ये आपके फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल लिखे हैं, लाइन से लिख दिए, आसान से हैं, जैसे आप भी आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, H3PO2, फिर क्या है H3PO3, एक एक ऑक्सीजन क्रमशः बढ़ा है H3PO4, फिर यहाँ पर तीन की जगह कितने हो गए आपके, चार हाइड्रोजन हो गए, H4PO5, H4P2O5, फिर H4P2O6, H4P2O7 और H4P2O8। तो क्रमशः एक एक के हम स्ट्रक्चर, संकरण और क्षारकता आदि बातों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम H3PO2 की संरचना की बात करते हैं, H3PO2 की। तो इन सभी की संरचनाओं में एक बात कॉमन है जो आपको याद रखना है, जो स्ट्रक्चर बनाने में क्यों होंगी हमारी सहायता करेंगी। यानी जितने भी इनके स्ट्रक्चर होंगे, इनके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उनमें ऑक्सीजन फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उनमें ऑक्सीजन फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो आपको जिसका भी स्ट्रक्चर बनाए उसमें फॉस्फोरस से सबसे पहले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो ऐसे ही हम इसमें फॉस्फोरस से ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ दिया। अब जितने ऑक्सीजन बाकी बचे, पहली बात ये याद रखनी है, और दूसरी बात जितने ऑक्सीजन बाकी रखे हैं उसके साथ ऐड जोड़ के हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें। जितने ऑक्सीजन बाकी रह जाएँ, शेष रह जाएँ, उनके साथ एच जोड़ के, तो क्या बन जाएगा आपका, OH समूह बन जाएगा, उसको फॉस्फोरस के साथ जोड़ दें। तो एक तो ऑक्सीजन ये लग गया, अब यहाँ पर दो थे, एक रह गया, एक एच यहाँ से ले लिया, क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका OH, ठीक है, ये क्या हो गया OH। तो एक ऑक्सीजन रह गया था, एक एच यहाँ से ले लिया, अब यहाँ कितना OH बाकी रह गए, दो, तो एक एच ये लगा दो, जो सिंगल है जाए उसको ऐसी की ऐसी जोड़ दो। ये किसकी संरचना हो गई आपकी, H3PO2 की, ये क्या हो गई आपकी संरचना। तो आसान है कि नहीं, इसी तरह मैं आसान तरीके से आपको सबकी संरचना बनवा दूंगा और आप भी कभी भी भूलोगे नहीं। तो पहली बात क्या याद रखनी है, जितने भी फॉस्फोरस हों उन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगाना है, जितने ऑक्सीजन बाकी बचे हैं उसके साथ एच जोड़ के हाइड्रोक्सी समूह बना के जोड़ दें, और जितने हाइड्रोजन शेष रह जाए उनको जोड़ दें, और सभी फॉस्फोरस पर केवल डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसके अन्यथा इससे ज़्यादा नहीं जुड़ेगा। तो एक फॉस्फोरस पर कितने ऑक्सीजन लग सकते हैं डबल बॉन्ड वाले, केवल एक। अब बात करते हैं हम संकरण की, किसकी बात करेंगे, संकरण की। तो अब बात करेंगे हम फॉस्फोरस के संकरण की। तो संकरण के लिए आपको कुछ बात याद होनी चाहिए, जो डबल बॉन्ड होता है आपका उसमें एक सिग्मा बंद पाया जाता है और एक पाइप बंद पाया जाता है, और आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में क्या पाया जाता है, सिग्मा पाई, और तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बंदी के बराबर। तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बंद पाया जाता है और पाई बंद पाया जाता है, और सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है आपका, सिग्मा बंद होता है। अब संकरण कौन सा होगा इसमें, कैसे पता करेंगे, ये मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपका sp3 संकरण है, अगर चार सिग्मा आपके बंद दिख रहे हैं आपको किसी स्ट्रक्चर में, तो आपका sp3 संकरण होगा, और अगर आपको तीन सिग्मा बंद दिख रहे हैं तो आपका sp2 होगा, और अगर आपको दो सिग्मा बंद दिख रहे हैं तो आपका कौन सा संकरण होगा, sp। तो चार सिग्मा दिखे हैं तो sp3 संकरण होगा, तीन सिग्मा दिखे हैं तो sp2, दो सिग्मा दिखे हैं तो आपका क्या होगा, sp संकरण होगा। अब इसमें हम देखते हैं, तो डबल बॉन्ड में क्या पाया जाता है, सिग्मा पाई, और सिंगल बॉन्ड किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। तो इसमें देखें डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। ऐसे यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, तो फॉस्फोरस के चारों ओर कितने सिग्मा हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, और चार सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, sp3। तो संकरण क्या हो गया आपका, sp3। तो H3PO2 का संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी क्षारकता की।
कि जो तुम्हारा H3PO2 है इसकी क्षारकता कितनी है। आपसे को ऑक्सी अम्ल दे देगा, यही पूछ लेगा कि बताइए इसकी क्षारकता कितनी है। तो फॉस्फोरस से जितने आपके OH समूह जुड़े होंगे, हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होंगे, उसकी क्षारकता उतनी ही होगी, क्योंकि क्षारकता किसके बेस पर होती है, हाइड्रोक्सी समूह के बेस पर। तो इसमें देखा कितने OH जुड़े हैं, एक जुड़ा है, तो ये क्या है, इसकी क्षारकता की हो गई एक, एक क्षारकीय है, एक क्षारकीय कहला है, इसकी क्षारकता एक कहला है। तो इसकी क्षारकता कितनी है, एक। अगर दो OH जुड़े होते इससे फॉस्फोरस से तो दो हो जाती, तीन जुड़े होते तीन हो जाती, तो इसकी क्षारकता की हो गई एक। अब बात करेंगे हम फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या की, यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ आप इससे इतनी बातें भी पता कर सकते हैं, यानी संकरण, संकरण भी आ जाए तो संकरण भी बता सकते हैं, क्षारकता पूछ ले आपसे स्ट्रक्चर बनाए तो क्षारकता भी बता सकते हैं, और अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछ ले तो ऑक्सीकरण संख्या ही बता देंगे। तो आपको किसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, पी की, पी को क्या मान लिया हमने एक्स, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए। तो जो हाइड्रोजन की होती है वो होती है आपकी एक, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो माइनस की दो। तो मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, तीन, तो एक हाइड्रोजन की एक होती है, तीन हाइड्रोजन की कितनी होगी आपकी तीन, फिर के लिखनी है आप प्लस, यानी जब दूसरे कंपाउंड की लिखते हैं तो प्लस लगा के लिखते हैं, इसको क्या माना है एक्स, क्योंकि इसकी हमें निकालनी है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर चार, तो एक ऑक्सीजन की माइनस दो, दो की कितनी हो जाएगी आपकी माइनस के चार, तो एक हम दो दूनी चार, तो माइनस चार, और बराबर की लिख देते हैं हम जीरो, ये आपको पता ही है। तो थ्री प्लस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, चार में से तीन गए कितने बचे आपका माइनस का एक बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका एक। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी प्लस के वन। तो मैंने इसमें आपको बताया H2PO2 की संरचना बताई, संकरण बताया, क्षारकता बताई और ऑक्सीकरण संख्या बताई। अब ऐसी हम बात करते हैं H3PO3 की, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं H3PO3 की, तो ये क्या है आपका H3PO3। तो बस मेरी बात याद रखना है, सबके स्ट्रक्चर आप आसानी से बना लेंगे, फॉस्फोरस को लिख लिया आपने, और फॉस्फोरस से सबसे पहले क्या जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई, जितने ऑक्सीजन रह जाएँ उनको OH बना के जोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन कितने रह गए यहाँ पर, एक ये यूज हो गया, दो रह गए, दो हाइड्रोजन से लेके दो OH, एक OH ये जुड़ गया और एक OH ये जुड़ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने रह गए, एक, तो एक हाइड्रोजन ये लग गया आपका, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका H3PO3 का, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको क्या बताना है, क्या बताना है इसका संकरण, तो संकरण बताइए पहले, तो आप संकरण आ बता देंगे, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो चार सिग्मा बराबर क्या होता है आपका sp3, तो संकरण क्या हो गया sp3। अब क्या बताना है हमें, क्षारकता, तो क्षारकता बता दीजिए इसकी, क्षारकता, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई आपकी, गिने हुए OH, एक OH, दो OH, तो ये कितनी क्षारकीय है H3PO3, ये दो क्षारकीय है, और इनके नाम और इनके सूत्र निकालने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, अगर आपको उन्हें सीखना हो तो पिछला लेक्चर आप देख लें। तो संकरण कितना है sp3 और क्षारकता कितनी हो गई दो। अब हमें क्या बताना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो वही है, इसको क्या मान लिया एक्स, तो इसको एक्स मान लिया, एक हाइड्रोजन की एक, तीन हाइड्रोजन की तीन, प्लस प्लस क्यू माइनस, एक ऑक्सीजन की माइनस दो होती है, तीन की कितनी होगी माइनस के छः बराबर जीरो, छः में से तीन गए कितने बचे माइनस के तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितनी तीन, तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तीन, और ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या, संकरण, क्षारकता और स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के और ऑक्सी अम्लों को भी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम H3PO4 की संरचना की, इन दो की बात कर ली, अब करेंगे H3PO4 की। तो H3PO4, तो सबसे पहले आपको एक बात याद ही रखनी है, सबसे पहले फॉस्फोरस को के साथ किसको जोड़ना है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, तो ये आपने फॉस्फोरस ले लिया और इसके साथ ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से। फिर मैंने क्या बताया, जितने ऑक्सीजन रह जाएँ उनको OH बना के फॉस्फोरस से जोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन कितने रह गए तीन, और हाइड्रोजन भी कितने रह गए तीन, तो तीन OH को इससे ऐसे करके जोड़ दीजिए।
ये पूरे हाइड्रोजन हो गए और पूरे के हो गए ऑक्सीजन। तो तीन ऑक्सीजन रह गए, तीन हाइड्रोजन रह गए, तीन हो गए जुड़ गए। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया आसानी से। अब इसका हमें क्या बताना है, संकरण आप आसानी से बता सकते हो खुद, तो इसका संकरण आप बता देंगे खुद। तो देख लें, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड बराबर क्या होता है आपका सिग्मा। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो संकरण क्या हो गया इसका आपका sp3, क्योंकि चार सिग्मा बराबर होता है आपका sp3 संकरण। अब बात करते हैं हम इसकी चारकता की, आप खुद बता देंगे कितनी है चारकता, एक, दो, तीन, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी हो गई आप। तो चारकता कितनी हो गई इसकी, तीन। तो चारकता इसकी हो गई कितनी, तीन, एक, दो, तीन। अब बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या की, तो इसको क्या मान लिया, एक्स। तो हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और पी को क्या माना है, एक्स। एक ऑक्सीजन की दो होती है, ये लिखी हुई है, चार की कितनी हो गई, माइनस के आठ, और बराबर के लिख देते हैं हम जीरो। तो तीन, आठ में तीन घटा दे रहे हैं, आठ में तीन का कितने बचे, माइनस के पाँच, बराबर जीरो। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस के पाँच। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये संकरण हो गया, ये चारकता हो गई, ये क्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, करेंगे H3PO5 का, H3PO5। तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे, फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। मैंने बताया ये सबसे पहले क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ना है, और फिर जितने ऑक्सीजन रह जाए उनको हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ देना है, OH से। तो तीन हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन लेके कितने हो जाएंगे, तीन OH जुड़ जाएंगे, एक, दो, तीन। तो ये तीन OH जुड़ गए, लेकिन हमने ये देखा यहाँ पर पाँच ऑक्सीजन है और यूज़ कितने हुए आपके, चार। तो आप इसको रेस करके जरा पहले एक ऑक्सीजन लगा दो और फिर क्या लगा दो, OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, H3PO5 का, आसानी से। तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था उसको हमने जोड़ दिया, ये आपके तीन और एक चार और एक पाँच, ये पाँच वो हो गए, एक फॉस्फोरस और तीन के हो गए हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, H3PO5 का। अब बात करेंगे इसके संकरण की, तो जो बॉन्ड बंद फॉस्फोरस से जुड़े हैं उनसे क्या बताएंगे, संकरण। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है आपका, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। तो चार सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, sp3। तो संकरण क्या हो गया आपका, sp3। अब बात करेंगे हम किसकी, चारकता की। तो जितने आपके इससे OH जुड़े हुए हैं उसकी चारकता भी कितनी होगी, इतनी। तो OH कितने जुड़ा है, एक, दो, तीन, तो इसकी चारकता कितनी होगी, तीन। अब बात करेंगे हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली वैसे इसकी निकाल दे रहे हैं, तो इसको क्या माना, एक्स। तो एक बात बता दूं, फॉस्फोरस की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वो पाँच होती है। अगर आपकी इस फॉर्मूले से ज़्यादा निकल रही है तो आप ज़्यादा, वो हमारी गलत निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, पाँच ही मानेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसको क्या माना मैंने, एक्स। एक एक हाइड्रोजन की, एक, तीन हाइड्रोजन की कितनी हो गई आपकी, तीन, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, माइनस दो। पाँच की कितनी होगी आपकी, माइनस के दस, और बराबर जीरो। तो इसको एक्स मान लिया, इसकी तीन लिख दी, चाहे पहले लिख दो आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं होती है। तो बराबर जीरो, दस में से तीन गए आपके कितने बचे, माइनस के सात, और बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ गया, सात। लेकिन फॉस्फोरस की हमें पता है अधिकतम पाँच होती है, वरना के लिए आ रही है सात, तो सात हमारी क्या है, गलत है। तो हम सात को छोड़ के पाँच ही लिखेंगे। अब ये गलत क्यों है, इस बात को समझ लें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ कौन सा बंध बना लिया है, परऑक्साइड बंध। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बंध बनाता है वो परऑक्साइड बंध कहलाता है, वहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जीरो है। तो वैसे एक माइनस वन इसका कम हुआ और एक माइनस वन इसका कम हुआ, तो माइनस वन कितना कम हो गया, माइनस के दो कम हो गया। अगर माइनस दो हम यहाँ से घटा देंगे तो पाँच आ जाएगी। तो आपको याद रखना है, जहाँ परऑक्साइड बंद होता है वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, माइनस वन हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपस में परऑक्साइड बंद था, यहाँ इस वाले ऑक्सीजन की माइनस वन लगेगी और इसकी माइनस वन लगेगी, तो कितनी होगी, माइनस दो, इसलिए इसकी पाँच आएगी। तो मोटी सी बात ये है, वो तो मैंने आपको बता दी बेसिक, कि परऑक्साइड बंद था इसलिए इसकी माइनस वन, इसकी माइनस वन थी इसलिए यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी, पाँच आ रही है। अगर आपकी अधिकतम सात निकले तो आप दो कम कर देंगे, क्योंकि अधिकतम क्या होती है, पाँच होती है। अब ऐसे ही इसकी बात करते हैं हम H4P2O5 की, O5 की संरचना की, H4P2O5 की संरचना की। तो इसमें क्या है, डबल फॉस्फोरस है। तो आपको
ये बात याद रखनी है, अगर आपके ऑक्सीजन विषम है, विषम का मतलब 3, 5, 7, 9, तो आपको जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच एक ऑक्सीजन रखना है। कैसे करके रखना है? ऐसे फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फोरस, अगर आपके ऑक्सीजन के दिख रहे हैं विषम, तो एक ऑक्सीजन का आएगा फॉस्फोरस के बीच में आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? विषम, तो आपको एक फॉस्फोरस नीचे लिख दे रहे, बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फोरस। तो इतना समझ में आ गया, अगर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? विषम, तो एक ऑक्सीजन को बीच में रख देना है, किसके? फॉस्फोरस के। अब मैंने मोटी बात आपको बताई थी कि सभी स्ट्रक्चरों में फॉस्फोरस के ऊपर क्या लगेगा? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। फिर दूसरी बात ये बताई थी, जितने ओ हो उनको एच के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ओ कितने यूज़ हो गए आपके? 3। अब यहाँ कितने बचे आपके? 1 और 2। तो एक ओ एच इधर जोड़े, बराबर कराएं, ना इंसाफी ना करें ओ एच, क्योंकि ये बुरा मान जाएगा अगर इसके साथ हम ना इंसाफी करेंगे, तो सबसे क्या बराबरी करें। तो एक ओ एच इधर जोड़ा, एक ओ एच इधर जोड़ा, अब हाइड्रोजन कितने रह गए? 2। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? H4P2O5 का सिंपल सा स्ट्रक्चर आसान से हो गया। अब बात करेंगे हम इसकी किसकी? संकरण की। तो संकरण बार बता दें इसका, तो इसका संकरण गिना, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड डबल और सिग्मा सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बराबर एक सिग्मा। तो 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा बराबर क्या होता है? sp3। तो इसका संकरण क्या हो गया आपका? sp3। तो इसका संकरण क्या हो गया? sp3। अब बात किसकी करेंगे हम? इसकी चारकता की। तो चारकता कितनी होगी? देखें कितने OH जुड़े हैं, इससे कितना जुड़ा है? एक OH और एक OH ये जुड़ा है, तो इसकी चारकता कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी चार एक OH ये जुड़ा था, इससे एक OH ये जुड़ा था, तो चारकता कितनी हो गई? 2। और संकरण sp3, इस फॉस्फोरस का निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा? sp3। तो प्रत्येक फॉस्फोरस का कितना है संकरण? sp3। अब बात करेंगे फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या की। तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसको क्या मान लेंगे आप? एक्स मान लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 4। तो 4 लिख दीजिए। एक फॉस्फोरस होता था तो एक एक्स मानते थे, 2 फॉस्फोरस हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन की आपको पता है कितनी होती है? -2 होती है। 5 की कितनी हो गई? -10 बराबर 0। 10 में से 4 गई, कितने बचे आपके? 6। तो 2x माइनस 6 बराबर 0। 6 इधर जाके किसको आएंगे आपके? प्लस के। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका? 3। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई इसकी? फॉस्फोरस की प्रत्येक की 3। तो चारकता 2 है और संकरण क्या है? sp3। इन तीनों फॉस्फोरस के ऑक्सीअम्ल का आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर उसके बाद नीचे वाले 3 ऑक्सीअम्लों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम अगले ऑक्सीअम्ल की। तो हमारा अगला ऑक्सीअम्ल क्या है? H4P2O6। तो मैंने अभी आपको बताई थी डबल फॉस्फोरस वाले में अगर ऑक्सीजनों की संख्या विषम है तो एक ऑक्सीजन बीच में आता है फॉस्फोरस के, अगर सम है तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो याद रखनी मोटी मोटी बात सर की अपने, अगर ऑक्सीजन की संख्या विषम है तो ऑक्सीजन एक बीच में जुड़ेगा फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से, और अगर सम है तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, फिर मोटी मोटी बात याद ही है, हर फॉस्फोरस पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, इस पर भी जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जितने फिर आपके हाइड्रोजन रह जाएं, जितने आपके ऑक्सीजन रह जाएं उनको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दीजिए। तो ऑक्सीजन कितने रह गए आपके? 4। तो एक OH इधर जोड़ा और एक OH इधर जोड़ा, बराबर है, आप खुद देख सकते हैं जितने हाइड्रोजन हैं उतने ऑक्सीजन बचे हैं 4, एक OH और इधर भी एक OH। तो ऑक्सीजन देख के नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये आपका स्ट्रक्चर आसानी से बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? H4P2O6 का। अब इसके हम बात करनी है संकरण की, तो हम बात किसकी करेंगे? संकरण की। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बराबर होता है आपका sp3। तो इसका संकरण हो गया आपका sp3।
थ्री। अब बात करनी है हमें इसकी चारकता की, तो इसकी चारकता कितनी होगी, एक दो तीन चार, चार ओ एच है तो कितना चारकी हो गई ये चार। अब बात करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, तो यह ऑक्सीकरण संख्या देख लें यहाँ पर, इसको क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स, तो चार हाइड्रोजन की कितनी हो गई आपकी चार हो गई, और दो फॉस्फोरस है तो कितनी लिखनी है हम टू एक्स, एक ऑक्सीजन की होती है आपको पता है माइनस की दो, और छः की कितनी हो जाएगी माइनस के बारह बराबर जीरो, बारह में से चार गए कितने बचे आपके माइनस के आठ बराबर जीरो, आठ इधर जाके किसको जाएंगे आपके प्लस के, दो चौक आठ, तो एक्स का मान कितना आ गया आपका चार, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है चार। अब बात करते हैं हम अपने अगले कंपाउंड एच फोर पी टू ओ सेवन की, तो एच फोर पी टू ओ सेवन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है विषम है सात है, तो ऑक्सीजन का जाएगा एक बीच में, तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड हो फॉस्फोरस, और हर फॉस्फोरस पर क्या लगना चाहिए आपको पता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगना चाहिए, फिर जितने ऑक्सीजन बचे उन्हें ओ एच के साथ जोड़ दें, तो एक दो तीन और यहाँ कितने बचे चार, चार चार बराबर हैं, तो दो एच इधर आ जाएंगे आपके और दो एच इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे और दो इधर आ जाएंगे, तो दो दो बराबर हो गए, दो इधर आ गए एच और दो इधर आ गए, ये क्या हो गया आपका एच फोर पी टू ओ सेवन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बात करेंगे हम इसके संकरण की, तो आप देखना ज़्यादातर संकरण की हो रहा है sp3, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाया जाता है और चार सिग्मा बराबर के होता है sp3, तो इसका संकरण हो गया sp3। अब बात करेंगे हम चारकता की, तो ओ एच गिने कितने एक दो तीन चार, तो चारकता कितनी होगी चार। अब ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे इसकी, तो आप खुद देख सकते हैं इसको क्या मानेंगे हम एक्स, तो कितने होएंगे दो या टू एक्स होएगा, तो एक हाइड्रोजन की एक होती है चार की कितनी होगी चार, सबकी आप निकाल देंगे आसानी से, ये क्या हो गए आपके टू एक्स, और एक ऑक्सीजन की माइनस दो सात की माइनस की फोर्टीन बराबर जीरो, चौदह में से चार गए कितने बचे दस, तो टू एक्स माइनस दस बराबर जीरो, टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस के दस, दस कितनी बार कैंसिल हो गए इससे पाँच बार, एक्स का मान कितना आ गया पाँच, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई पाँच। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट कंपाउंड एच फोर पी टू ओ एट की, तो अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है एच फोर पी टू ओ एट का, तो इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे अलग है, इसको आप देखिए, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस होता है आपका, फॉस्फोरस के बीच दो ऑक्सीजन होते हैं, ये आपको याद रखना है, फॉस्फोरस के बीच कितने ऑक्सीजन होते हैं दो, तो एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन ये, और बाकी सब आपकी पुरानी वाली बात है, हर फॉस्फोरस के ऊपर क्या लगा होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है, और फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगता है, तो आपको याद रखना है एच फोर पी टू ओ एट में जो ऑक्सीजन होते हैं दो होते हैं फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में। अब जितने ऑक्सीजन रह जाए उतने ओ एच को आप इधर जोड़ दें और इतने ओ एच को इधर जोड़ दें, तो आप देख रहे हैं बराबर बचे हैं चार यूज़ हो चुके हैं, चार ऑक्सीजन बचे चार हाइड्रोजन बचे, तो दो एच इधर आ जाएंगे आपके और दो एच इधर आ जाएंगे, ये क्या हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें बात करनी है संकरण की, तो संकरण आप बता सकते हैं इसका कितना है खुद, सिग्मा 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 चार सिग्मा बराबर क्या हो गया sp3। अब बात करनी है हमें चारकता की, तो चारकता भी आप बता सकते हैं चारकता इसकी कितनी हो गई चार, क्योंकि OH कितने हैं चार, एक दो तीन चार। अब हमें क्या बतानी है ऑक्सीकरण संख्या, तो फॉस्फोरस को क्या मान लेंगे आप x, तो 2x और चार हाइड्रोजन है कितनी लिखनी है चार, और एक एक ऑक्सीजन की आपको पता है दो होती है, आठ की कितनी होएगी माइनस की सोलह बराबर जीरो, तो सोलह में से दो गए कितने बचे सॉरी सोलह में से चार गए कितने बचे आपके बारह, और टू एक्स माइनस के बारह बराबर जीरो। अब बारह उधर जाके इसको आएंगे प्लस के, तो टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका बारह, दो से बारह कितनी बार कैंसिल होएंगे छः बार, तो एक्स का मान कितना आएगा छः, और मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या सॉरी फॉस्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो प्लस के पाँच होती है, इससे अधिक नहीं होती, यह कितनी आ रही है छः, तो आप छः को मैं डर के कितनी लिख देंगे पाँच, क्योंकि छः गलत है क्योंकि पाँच। अब ये पाँच क्यों आ रही है, मैंने बताया था जहाँ परऑक्साइड बंद आ जाता है बाकी लिखती है माइनस वन लगती है, तो यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन की और इस वाले ऑक्सीजन की क्या लगेगी माइनस वन लगेगी, इसलिए यहाँ पर क्या आ रही थी आपकी प्लस की छः आ रही थी। तो आपको मोटी मोटी बात याद रखना है, अगर आपकी पाँच से ऊपर जाए तो आप पाँच ही लिखेंगे, क्योंकि इससे अधिक इसकी होती नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।